दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से। आज सोमवार का दिन और आज का वीडियो अपॉइंटमेंट स्मार्टली कैसे लेना फोन के ऊपर में। मेरे बहुत सारे यूट्यूब दर्शक कमेंट डालते हैं कि मुकेश भाई आप अपॉइंटमेंट कैसे लेना उसके ऊपर कुछ बताइए। चलिए आज आपका सब्जेक्ट हो जाए कि कैसे हम लोग स्मार्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको 5 मुद्दे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहला मुद्दा, अपॉइंटमेंट अगर लेना है यू शुड बी हैप्पी। आपके चेहरे के ऊपर में मुस्कान होनी चाहिए जब आप अपॉइंटमेंट के लिए बैठे हैं। इसके लिए वो गाना है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे। हंसता हुआ चेहरा होना जरूरी है। अगर स्माइलिंग फेस है तो आपका फेस कैसा भी है लेकिन नूरानी हो जाता है, आपकी आवाज नूरानी हो जाती है। तो हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ में आप अपॉइंटमेंट लेने की आप शुरुआत करें। जब भी अपॉइंटमेंट के लिए आप बैठ रहे, सो यू शुड बी एंथुजियास्टिक, यू शुड बी हैप्पी। सेकंड थिंग, बहुत ज्यादा सोचो मत कि मैं अब पार्टी को फोन करूंगा तो पार्टी अभी तो घर से निकली होगी, अब मैं फोन करूंगा तो पार्टी ट्रेन में ट्रैवलिंग करती होगी, अब मैं फोन करूंगा तो पार्टी अभी ऑफिस पहुंचा होगा, अभी फोन करूंगा तो बॉस के साथ बैठा होगा, अभी फोन करूंगा तो लंच लेता होगा, अभी फोन करूंगा चाय पीता होगा। डोंट थिंक दैट मच। जब भी फोन करना है सीधा मोबाइल उठाने का, फोन कर डालने का। मैं कई बार मेरे एग्जांपल्स देता हूं। मेरे दोस्त, कई इंश्योरेंस एजेंट दोस्त जो मेरे वर्कशॉप में आते हैं, तो अक्सर 3 दिन का बेसिक कोर्स हो या एडवांस कोर्स हो, हर कोर्स के बाद कॉम्बिनेशन प्लान कोर्स हो, फंडामेंटल कोर्स हो, कई सारे क्यूरिकुलम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उस समय पे जब क्लास खत्म होती है तो बहुत सारे एजेंट आते हैं मेरे पास में, सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए। कई बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, लीजिए ये नंबर है। लोग मुझे पूछते हैं कि मुकेश भाई आपको फोन कब किया जाए, तो मैं उनको बोल देता हूँ, देखिए सुबह 9 बजे से मेरी क्लास शुरू होती है, तो सुबह 9 बजे से तो 6 बजे तक मेरे को फोन नहीं करना, क्योंकि मॉर्निंग में तैयार होना है, क्लास में जाना है, उसकी तैयारी करनी है, और 9 to 6 मेरे क्लास वर्कशॉप होते हैं। 6 के बाद मैं जब वापस लौट के मेरे कमरे में आता हूँ, मेरे रूम में आता हूँ होटल में, या घर पे भी होता हूँ, तो जब घर पे पहुँचता हूँ तो मैं 6 से 7 बजे तक मैं घर पे फोन करता हूँ मैं, और सारे घर के रिपोर्ट लेता हूँ मैं। 7 से 8 बजे तक मेरे IOE के दिल्ली ऑफिस है, कलकत्ता ऑफिस है, अहमदाबाद ऑफिस है, मुंबई ऑफिस है, तो वहां पे मेरे को रिपोर्टिंग लेनी होती है, तो 7 से 8 वो काम चलता है। 8 से 9 बजे तक मैं डिनर लेता हूँ, 9 से 11 बजे तक मैं बुक पढ़ता हूँ, और 11 बजे मैं सो जाता हूँ, और वो भी मोबाइल को साइलेंट करके छोड़ देता हूँ। तो अभी बीच का जो भी समय बचा उस समय पे आप मुझे फोन कर सकते हैं। तो लोग हंस पड़ते हैं, सर समय ही कहाँ बचा, तो मैं हंस के बोलता हूँ, भैया जब आपको याद आती है तब फोन कर दिया करो यार, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्यों सोचते हो। अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लोग ऐसे ही कुछ लंबा चौड़ा सोचते हैं जो हमने ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो ये मेरा दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा है कि जब भी अपॉइंटमेंट के लिए आपको शुरुआत करनी है तो यू शुड स्टार्ट विथ बेनिफिट। सीधी शुरुआत आपकी जो है वो बेनिफिट से होनी चाहिए। आप जब बेनिफिट की बात करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है और इस एजेंडा से मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। तो ऑलवेज स्टार्ट करो बेनिफिट से। चौथा मुद्दा है मेरा, डोंट सेल प्रोडक्ट। जब आप फोन के ऊपर बैठे हो ना तो उस समय पे फोन पे कभी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करें कि सर आप इतना भरेंगे, इतना मिलेगा, इतना ये होगा, ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है। कोई भी डिस्कशन आपको फोन के ऊपर में प्रोडक्ट की नहीं करनी है। जब आप फोन के ऊपर बैठे हो अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तब तुम्हारा प्रोडक्ट है कि मैं क्या करूं कि मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो सेल होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए, राइट। सो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन आपका अपॉइंटमेंट पे होना चाहिए। कई बार पार्टियां बोलती है, अरे क्या है, चलो बता दो यार, आने की क्या जरूरत है, फोन पे बता दो। फोन पे कभी भी किसी को भी प्लान डिस्कस मत करो, बिकॉज हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में हमें पहले उसको ये कन्विंस करना होता है कि भैया तुझे बीमे की जरूरत क्यों है, फिर हमें कन्विंस करना होता है कि अब तुझे इसके लिए कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है।
है, ये सारी बातें फोन के ऊपर में पॉसिबल नहीं होती है। चलो पांचवा मुद्दा डिस्कस करते हैं, ऑप्शन मत दिया करो उसको कि सर मैं कब मिलने आऊं। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कब मिलने आऊं, पार्टी भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। अब मैं आपको इसकी परफेक्ट स्क्रिप्ट आपको दे रहा हूं कि किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट देनी है और कैसे आप अपॉइंटमेंट आपकी क्लोज हो सकती है, कैसे 10 लोगों को फोन करो। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगली मेरी स्क्रिप्ट आप सुनोगे, कम से कम 7 से 8 अपॉइंटमेंट आउट ऑफ 10 आपकी क्लिक हो सकती है। अपॉइंटमेंट देखो कैसे लेना है, सबसे पहले शुरुआत जब आप करते हो तो उस समय पे पार्टी का नाम, आपका इंट्रोडक्शन और उसके बाद में आपको उसके साथ में अपॉइंटमेंट किस तरह से आपको करनी है। देखिए आपने आपके बारे में बताया, आपने क्यों मिलना है ये बताया, आपने बेनिफिट बताया कि सर मैं आपको आपके रिटायरमेंट में पैसों की बौछार हो ऐसे आयोजन कैसे करना, इसके लिए मैं आपका 20 मिनट चाहता हूं। अब देखो ये मत पूछो कि मैं कब आऊं, आप उसको बता रहे हो कि इसके लिए मुझे आपका 20 मिनट चाहिए। तो सर आप सोमवार को या मंगलवार को सुबह में मिल पाओगे या शाम में मिल पाओगे, इस तरह से आप बात कीजिए। पार्टी जो भी ऑप्शन दे, आपने सोमवार मंगलवार बताया, पार्टी बोले मैं सोम मंगलवार को बिजी हूं, आप बुधवार को आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आपने ये नहीं पूछना कब मिलने आऊं, आप आपका प्लान ओपन करो कि सर सोमवार को मिले या मंगलवार को मिले, सर शाम को मिले या दोपहर में मिले, इस तरह से आप ऑप्शन उसको वहां पर बता सकते हो। ऑप्शन दे दिया, अब आप उसको बोलो कि सिर्फ मुझे 20 मिनट का समय चाहिए। देखिए जब आप ये बोलते हो 20 मिनट का समय चाहिए तो वो आदमी कंफर्टेबल हो जाता है कि ये भाई साहब मेरे को 20 मिनट के लिए अगर मिलना चाहते हैं। कोई भी आदमी जॉब पे गया है सुबह से लेके शाम तक, अब जब रात को घर पे लौटा है और वहां कोई इंश्योरेंस एजेंट बोलेगा कि मैं आपको मिलना चाहता हूं, कोई भी पसंद नहीं करेगा। अब उसको क्यों मिलना है ये हम ऑप्शन में बताए, बेनिफिट से शुरुआत करें, ऑप्शन में बताएं, और फिर तीसरी चीज कि मैंने उससे 20 मिनट मांगा तो डेट मे बी उसके दिमाग में चलेगा, चल यार सवाल अगर 20 मिनट का है तो कोई बात नहीं है, वो भी कोई अच्छी जानकारी अगर कोई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, तो सिर्फ 20 मिनट के लिए मैं आपको मिलना चाहता हूं। तीसरे लेवल पे जाके आप उसको क्या बोलेंगे कि सर मुझे 20 मिनट के बाद आपके यहां से निकलना ही होगा क्योंकि आप ही के इलाके के अंदर मैंने एक दूसरा अपॉइंटमेंट लेके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, उसको पक्का भरोसा हो गया कि ये भाई साहब 20 मिनट के बाद मेरे ऑफिस से या मेरी दुकान से निकलेंगे ही निकलेंगे, ये कंफर्मेशन हो गया। तो देखिए अब कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से ये तीनों लाइन को मैं एक साथ में बोल रहा हूं। तो सर प्रमोद जी ने मुझे आपका नंबर दिया है, आप शाम को 6 बजे आपके ऑफिस से आप लौट के आते हो, सर आप फ्रेश हो जाइए, मैं 6:30 बजे आपको मिलने आ रहा हूं। डायरेक्ट आपने बोल दिया मैं मिलने आ रहा हूं, सर शाम को 6:30 बजे ऑन डॉट आपके घर पे मैं पहुंचूंगा, मुझे सिर्फ 20 मिनट का समय चाहिए। ये सब बोलते समय याद रखना बीच में पॉज अलाउड नहीं है, क्योंकि पॉज दोगे तो वो सामने से उत्तर दे देगा। तो आप सीधे सीधे शुरुआत कर रहे हो, मैं 6:30 बजे मिलने आ रहा हूं, मुझे सिर्फ 20 मिनट का समय चाहिए, 20 मिनट के बाद सर मुझे निकलना ही पड़ेगा क्योंकि 7 बजे आप ही के इलाके में मैंने एक अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई है, तो सर शाम को 6:30 बजे आज मिलते हैं। ऐसे करके आप अपॉइंटमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे आपको 10 में से 7 या 8 अपॉइंटमेंट आपको तुरंत के तुरंत मिल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मेरे इस मंथ का बेसिक कोर्स का डेट नोट डाउन कर दीजिए, 21, 22 और 23 जून मुंबई में दादर में होटल सिटी पॉइंट में। अगर वेन्यू कोई चेंज है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिल जाएगी आपको। एंड माय नेक्स्ट मंथ टॉपिक जो मैं आपको एक सेंसेशनल स्टोरी के साथ में लेके आऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस स्टोरी सुनने के बाद में दोस्तों एक ऐसी सनसनीखेज स्टोरी है जो सुनने के बाद में आपको महसूस होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, कुछ भी नहीं के बराबर कर रहे हैं। तो ऐसी जबरदस्त स्टोरी के साथ में अगले हफ्ते हम लोग जरूर मिलते हैं, और अब तक के लिए इतना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।